AIR 5 हासिल करने वाले दिवाकर कुमार झा BHUCHS में इन्होंने दाखिला लिया दो वर्ष 2017 में। उनसे जानेंगे BHUCHS की तैयारी करने की पूरी रणनीति। सो वेलकम टू एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल नैन्यू में। और आज हमारे साथ है दिवाकर कुमार झा। दिवाकर, आप अपना स्मॉल इंटरव्यू दें, इंट्रोडक्शन दें हमारे दर्शकों को। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिवाकर कुमार झा। आई हैव डन माय प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन फ्रॉम बिहार। आई हैव डन माय सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन फ्रॉम वाराणसी, फ्रॉम सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल ऑफ BHU। आई एम मेजरिंग इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम हिंदू कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो लाखों बच्चे जो हैं वो BHUCHS के लिए अप्लाई करते हैं, क्लास 6, 9th और 10th, 12, 11th के लिए। तो उसमें AIR 5 लाना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। तो आपने इसकी जो तैयारी है वो कब शुरू की थी, और आपने ये कब मन बनाया था कि आपको BHUCHS में जाना है? मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेना है, ये मैंने डिसाइड किया था बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद। और तभी मैंने डिसाइड किया कि चूँकि मुझे बोर्ड में ट्वेल्थ में ह्यूमैनिटीज़ चाहिए थी, और मुजफ्फरपुर में कोई स्कूल था नहीं जो ह्यूमैनिटीज़ पढ़ाती हो, तो मुझे लगा कि ये कोर्स मुझे CHS से करना चाहिए। तो इसलिए मैंने CHS का एंट्रेंस दिया था BHU का। तो इस अगर परीक्षा की मैं तैयारी की बात करूं, तो आपने BHUCHS की तैयारी कैसे की, और कितना आप कौन सा बुक फॉलो करते थे, हमारे बच्चों को बताएं? वही बेसिक किताबें, टेंथ लेवल के सवाल आते हैं। तो आप अरिहंट रेफर कर सकते हैं, ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं, और NCERT की किताबों को देखिए, और सबसे इम्पोर्टेंटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप देखिए। अगर मैं बात करूं अगर 6th, 9th और 11th के लिए, तो आपने तो 11th में पास किया था, तो ये इनकी रैंक 11th में 5 थी। अगर मैं 6th क्लास के और 9th क्लास के बच्चों की बात करूं, तो क्या उनके लिए भी सेम रणनीति अपनाई जा सकती है, और अगर कुछ अलग हो सकता है तो उनके लिए भी बताएं? रणनीति तो मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी समझ है, कि कोई भी क्लास हो, स्टडी तो यही होती है कि आप एग्ज़ाम के पैटर्न को समझो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो और सिलेबस देखो, और पता करो कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप सिलेबस को देखते हुए, बुक्स मटेरियल देखते हुए आप पढ़ाई करो, स्टार्ट करो, नोट्स बनाओ, याद करो, चीज़ों को रटो, और फिर वहाँ जाके एग्ज़ाम दोगे तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे, अगर आप इस स्ट्रेटजी से जाते हो तो। स्ट्रेटजी के बारे में डिटेल से जानना है तो आप कोरा वगैरह पे भी सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आप गूगल का यूज़ कीजिए, इंटरनेट का यूज़ कीजिए इसे पता करने के लिए। तो आई थिंक दैट्स द स्ट्रेटजी विच इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द एप्लीकेंट्स। अगर मैं बात करूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो प्रीवियस ईयर की क्या इंपॉर्टेंस रहती है BHUCHS के एग्जामिनेशन में? ये मैंने महसूस किया है, एग्ज़ाम चाहे कोई सा भी हो, CHS में खासकर हर साल सवाल रिपीट होते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ के जाओ, आप देखो कि 2-3 सवाल तो सेम आ जाते हैं, और बाकी के सवाल बहुत सारे होते हैं, 15-20 सवाल जो पैटर्न उसी पैटर्न पे आधारित होते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ही एक अच्छी बात है। आप अगर एग्ज़ाम को अच्छे रैंक के साथ निकालना चाहते हो, तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस डाउट में रहते हैं कि उन्हें कोचिंग करनी चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी। तो कोचिंग और सेल्फ स्टडी में आपने तो सेल्फ स्टडी से ही पास किया था, तो और कोचिंग अगर बच्चे करना चाहते हैं तो इसमें आपकी क्या राय होगी कि उन्हें कोचिंग करनी चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी? मुझे लगता है कि ये जो एंट्रेंस है उसके नाम पे बहुत सारे कोचिंग्स खुलने लग गए हैं, पहले से हैं। बनारस में आप देखोगे, वाराणसी में, तो संकल्प ट्यूटोरियल का ऐड हर जगह होता है, स्टेशन पे आप जाओगे। मैं भी शॉक्ड था कि यार एक छोटे से मतलब स्कूल का एंट्रेंस ही तो है ये, बट कोचिंग से ऐसे खोल रहे हैं जैसे, तो होता क्या है ना कि उन्हें पैसे कमाने से मतलब है, कुछ भी होता है वो कोचिंग खोल देते हैं। आप उसमें जाना चाहते हो तो जा सकते हो, बट मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कोचिंग में जाओ, आप खुद से एग्ज़ाम की तैयारी करो।
तो आप खुद से ही तैयारी कर सकते हैं, अपने हज़ारों रुपए बचा के और लाखों रुपए बचा कर बिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जाकर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स हैं, जैसा कि सर ने बताया कि आपको वहाँ पे ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाती है और कुछ बुक्स का भी हेल्प आप ले सकते हैं। अगर मैं दिवाकर आज आपसे पूछूं कि बहुत सारे बच्चे चूँकि एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कुछ कन्फ्यूज़न या फिर बहुत हम लोग को माइंड में डाउट होता है कि इतने बच्चे हैं हमारा क्या परफॉर्मेंस होगा, तो बहुत बच्चे नर्वस हो जाते हैं, तो नर्वसनेस को कैसे दूर किया जाए? देखिए CHS में सीटें भी कम हैं, मेरे टाइम पे 14 सीट्स थे, तो मैं हमेशा ये सोचता था कि मुझे सिर्फ एक सीट से मतलब है, 14 सीटें हैं तो उसमें से एक सीट मेरा होगा, दैट्स इट। और कॉम्पिटिटिव माहौल तो है, बहुत दिन से दिन कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन हो गया है, तो आपको कॉम्पीट तो करना पड़ेगा, फाइट तो करना पड़ेगा। और कम्पीट करने का एक ही तरीका है कि आप हार्डवर्क करो, देर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्डवर्क, हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन सबको अवेलेबल है ड्यू टू इंटरनेट, तो सक्सीड वो करता है अब जो हार्डवर्क करता है। अवेयरनेस सबके पास है, सब सारे लोग अवेयर हो चुके हैं, तो अब अगर कॉम्पिटिशन है तो इट्स नॉट द कॉम्पिटिशन ऑफ योर अवेयरनेस ऑनली, एंड इट्स ऑल्सो नॉट द कॉम्पिटिशन ऑफ आई मीन द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव, अब इट इज़ अल्टीमेटली द हार्ड वर्क दैट पेस, सो प्लीज़ वर्क एज मच एज यू कैन। कंपटीशन निकालने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होता है, वो एक सुपर सैचुरेटेड कंडीशन होती है ना केमिस्ट्री में, तो वो सिचुएशन ला दो कि आप जितना एफर्ट डाल सकते हो अपना 100% बेस्ट दो अपना। अगर आप इस डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करते हो तो आपको निराशा नहीं मिलेगी, सफलता ही मिलेगी। तो आई होप कि आपको दिवाकर कुमार झा ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी दी होगी इस वीडियो ट्यूटोरियल में, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख के जरूर। दिवाकर जी, अब आप हमारे दर्शकों को बताएं कि BHU CHS की फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। आर्ट्स के लिए एक साल का 3600 मेरे टाइम पे, 11th का 3600, फिर 12th में 3600। और 6th और 9th के लिए? 6th और 9th के लिए भी इसी के आसपास होते हैं, 3600, 3800, 4000, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत ही कम फी है एक साल की, आप देखोगे तो 300 रुपये पर महीने। लेकिन जो खर्चे आते हैं वो बाहर में रहने का, एक महीने में कम से कम आपको बाहर में स्टे करना है तो 5000 चाहिए होता है कम से कम, तो फ़ी तो बहुत कम ही है, आप अफोर्ड कर लोगे, 3600 कोई बड़ी रकम है नहीं। और भी कोर्सेज जो हैं जैसे साइंस हो गया, जो बायोलॉजी हो गई, तो इन सब की अलग अलग फीस हैं, लेकिन वो 4000 के आसपास ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, 4, 4.5, 5, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो फ़ी स्ट्रक्चर बहुत ही कम है, एक नॉर्मल CBSE अच्छी CBSE स्कूल की जितनी 1 या 2 महीने की फ़ीस होती है वो आपकी यहाँ पे साल भर की फ़ीस लगती है, जो आपकी मेन फ़ीस लगती है वो आपकी फूडिंग और लॉजिंग में लगती है। ओके, तो आई होप कि आपको महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि दिवाकर कुमार झा ने दी, तो अगर आपको कोई भी कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना पूछें, और इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड थैंक यू एवरीबॉडी।